देश में स्वास्थ्य हालात को लेकर पहले ही सरकार की चिंता बढ़ी हुई है, जिसे लेकर विपक्षी दलों का सरकार की घेराबंदी करने का सिलसिला जारी है। तो वहीं पड़ोसी देश की हिमाकत ने भी देश की सियासत में नया उबाल ला दिया है। इसी बीच आज पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, मगर उस पर भी नया बखेड़ा खड़ा हो गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, चाहे स्वास्थ्य हालात हो या फिर सीमा पर पड़ोसी देश के इरादे। अब सरकार जहां स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने को लेकर कई बार विपक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर चुकी है, तो वहीं अब सीमा मामले पर भी चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। आज इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस सर्वदलीय बैठक के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई दलों के अध्यक्षों को न्योता दिया गया, लेकिन लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल और दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को इस बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार शाम सभी पार्टी अध्यक्षों को बैठक के लिए आमंत्रित किया। वहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट करते हुए सवाल किया कि उनकी पार्टी को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। आप और आरजेडी को बैठक से बाहर रखने के कारणों पर चर्चा करते हुए सूत्रों ने कहा कि संसद में कम से कम 5 सदस्यों वाली पार्टियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 4 सांसद हैं। इस मसले पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा, केंद्र में एक अजीबोगरीब सरकार है, आपकी दिल्ली में सरकार है और पंजाब में मुख्य विपक्ष है, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय पर आम आदमी पार्टी के विचारों की जरूरत नहीं है। देश इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री बैठक में क्या कहेंगे। बैठक में शामिल होने के बारे में दिए गए स्पष्टीकरण पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा, हमारी पार्टी के पास 5 सांसद हैं और इसे सूची में शामिल करना चाहिए था। झा ने कहा, सर्वदलीय बैठक का मतलब ये होना चाहिए कि हम सभी को अपने विचारों को सामने रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन केंद्र ने ऐसा नहीं किया। अब आम आदमी पार्टी और आरजेडी के तेवर तो बेहद तल्ख है, लेकिन देखना होगा कि केंद्र कोई जवाब देता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।